हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रूपा और आप देख रहे हैं रूपास मैजिकल किचन। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके लिए लाई हूं मसालेदार पनीर की सब्जी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैंने लिया है लगभग 300 ग्राम के करीब पनीर और इसको मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है। और यहाँ लिए हैं हमने खड़े मसाले कुछ, और फिर हमने लिया है इसी के साथ हल्दी पाउडर, और हमने लिया है यहाँ पर लाल तीखी मिर्ची पाउडर और कश्मीरी मिर्ची भी आप ले सकते हैं। और मैंने यहाँ जीरा पाउडर लिया है 1 से 1.5 चम्मच और धनिया पाउडर 2 चम्मच लिए हैं बड़े। और यहाँ अदरक लहसुन को हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है क्योंकि हमें दरदरा मसाला चाहिए। और मैंने यहाँ 3 बड़े टमाटर भी ग्रेट कर लिए हैं, और यहाँ पर मैंने 2 बड़े प्याज दिए हैं बिल्कुल बारीक काट के। तो फ्रेंड्स, अब मैं कढ़ाई को थोड़ा गर्म कर लूँगी क्योंकि मैं हल्का सा कलर देना चाहती हूँ पनीर को, तो इसलिए पनीर को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हल्का सा कलर आ जाए बस हमें पनीर को उतार लेना है। अब उसी तेल में हम 1 चम्मच घी या फिर आप बटर भी डाल सकते हैं, और खड़े मसाले डाल देंगे हम इसमें और इसको भूनेंगे अच्छे से जब तक इसमें खुशबू आने ना लग जाए। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें हमारे बारीक कटे हुए प्याज, और प्याज को हम इतने अच्छे से भूनेंगे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर भी ब्राउनिश हो जाए, तभी बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हो चुका है बिल्कुल अच्छे से और इसने तेल छोड़ दिया है। तो अब जाकर हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च काट के रखी थी। तो फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसमें मिर्ची डाल भी सकते हो, या आपको पसंद नहीं है तो ना डालें मिर्ची। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको भी भूनेंगे अच्छे से जब तक कि इसका कच्चापन दूर ना हो। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको मैंने भूना है खूब अच्छे से, इसका कच्चापन अब लगभग दूर हो चुका है। तो देखिए ये कुछ ऐसा हो गया है, और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हल्दी पाउडर। मैंने यहाँ इसलिए हल्दी पाउडर ऐड किया है ताकि हल्दी का भी कच्चापन चला जाए और इसका कलर भी बहुत प्यारा आ जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको भी हम लगभग 1 मिनट चला लेंगे अच्छे से। और चलाने के बाद इसमें ऐड करेंगे हमने जो कस के रखे हुए थे टमाटर। तो फ्रेंड्स, इसको अच्छे से इसमें डाल देंगे और इसको चला लेंगे अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इसको चला रही हूँ, इसको हमें मीडियम आँच पर ही पकाना है, हाई फ्लेम ना करें वरना ये जल जाएगा। तो अब हम मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और इसको अच्छे से अब ये गल भी जाएगा, पक भी जाएगा। जब तक कढ़ाई में ये पक रहा तब तक मैंने कसूरी मेथी को रोस्ट कर लिया है। तो देखिए ये टमाटर पक चुका है, इसने तेल रिलीज़ कर दिया है। तो अब हम इसमें जितने हमारे सूखे मसाले थे सबको डाल देंगे, और धीमी आँच पर लगभग 2 से 3 मिनट इसको चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको आराम से चलाते जाइए। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहाँ पर आपको चिकन के, पनीर की, घी की और केक की भी बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैंने इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल दिया है जो कि गर्म पानी था, और मसाले के साथ इसको अच्छे से अब हम मिला लेंगे। और मिलाने के बाद देखिए ये अच्छे से मिल गया, जब हम इसमें लगभग और मैं इसमें 1 ग्लास पानी डाल दूंगी। तो 1 ग्लास पानी अब मैं इसमें डाल रही हूँ, और देखिए ये कुछ ऐसा हो गया है, और इसको भी अब हम उबलने के लिए छोड़ देंगे। जब इसमें अच्छे से लग जाए, देखिए उबलने लग गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे पनीर। और पनीर को डाल के हम इसको ढक्कन लगा के लगभग 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो देखिए 5 मिनट के बाद मैं इसमें रोस्ट किए हुए कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, अभी और लगभग हम 2 से 3 मिनट इसको पका लेंगे ढक्कन लगाकर। तो फ्रेंड्स, इसको देखिए 2 से 3 मिनट पका लिया है मैंने। अब लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ 1 छोटा चम्मच गरम मसाले का यूज़ किया है, और इसको भी हम चला लेंगे अच्छे से, चला के ढक्कन लगा देंगे और हम गैस को 1 मिनट के बाद ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब ये बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, तैयार है हमारा पनीर मसाला, बिल्कुल रेडी टू ईट है। तो ये बहुत ही आसान भी है बनाने में और तुरंत बन भी जाता है, तो इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये आसान सी पनीर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
और फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।